ये देखो भाई साहब, राजेश जी जो है पूरा फाड़ छीट कर दिया है तरबूज के साथ। बहुत सही, बहुत बढ़िया भाई, बहुत भाई साहब अच्छा। पानी जो है गिर जा रहा है, राजेश जी गिलास हटा दो वहाँ से, क्योंकि पानी की जरूरत नहीं पड़ रही। बहुत सही भाई साहब, अच्छा भाई, तबाही मचा दिया भाई। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीआर फूड चैलेंज में। पीसीआर फूड चैलेंज आज लाए हैं साबुत तरबूज का चैलेंज। इस साबुत तरबूज को चैलेंज को फिनिश करने के लिए, ढेर करने के लिए, फाड़ छीट मचाने के लिए आज हमारे पास दो खतरनाक योद्धा उतरे हैं चैलेंज में। इधर है राजेश जी, इधर है सुमन जी। दोनों योद्धा के बीच आज तरबूज फिनिश करने का चैलेंज है, तो देखते हैं कौन इस तरबूज को पहले फिनिश करता है और आज का ढेर सारा इनाम जीत के ले जाता है। आज इनाम के तौर पे रखा गया 700 का कैश और यह जो है सस्पेंसिबल गिफ्ट रखा गया है। चलो चलो स्टार्ट करें। बिल्कुल, चलो फिर टाइम को ना वेस्ट करते हैं, सीधा टाइमर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पूछते हैं कौन जीतेगा। बहुत सही भाई, बहुत बढ़िया। जैसा कि पूरा साबुत तरबूज रख दिया गया यहाँ पे और दोनों के लिए एक एक चाकू रख दिया गया है। बिल्कुल, खुद मेहनत करनी पड़ेगी इनको, खुद काटना है, खुद काटना पड़ेगा और खुद जो है खाना पड़ेगा। बिल्कुल, पूरा फिनिश कर देगा उसको, उसी को दिया जाएगा ये सारा इनाम, 700 का कैश और ये प्लस में गिफ्ट। तो अब देखना ये है कि कौन जीतता है। चलो राकेश जी टाइमर स्टार्ट कर दो आप। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये देखो भाई साहब, राजेश जी जो है पूरा फाड़ छीट कर दिया है तरबूज के साथ। बहुत सही, बहुत बढ़िया भाई, बहुत भाई अच्छा। साहब पानी जो है गिर जा रहा है, राकेश जी गिलास हटा दो वहाँ से, क्योंकि पानी की जरूरत नहीं पड़ रही। बहुत सही भाई साहब, अच्छा भाई, तबाही मचा दिया भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बढ़िया लग रहा है। राकेश जी सुमन जी हिल जाने वाली है पैसे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और तो बीज भी नहीं हटा रहे भाई राजेश। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, सुमन जी भी बीज नहीं हटा रही भाई। ये होता है चैलेंज, साबुत रखने का मजा अलग ही है। काट के दो तो आराम से खाते हुए दिखेंगे और यहाँ पूरा मेहनत करके एकदम चाकू लगा के। ये लो भाई, एक पीस खत्म हो चुका है सुमन जी का। बिल्कुल बिल्कुल, और राजेश जी जो है उसको हटाना है, लाल पीस कम दिखे, क्योंकि बिल्कुल हम देखेंगे किसका सफाई से खाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो है सफाई से खाओगे नहीं तो इसमें जो है दिख जाएगा लाल लाल। बिल्कुल, तो आज देखते हैं राजेश जी जीतते हैं या सुमन जी जीतते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या लगता है राकेश जी? बहुत बढ़िया भाई, सिर्फ 52 सेकंड हो रहा है और देख सकते हो पूरी तबाही मच चुकी है। तबाही मचा दिया तरबूज के साथ, जो एकदम नॉन स्टॉप भाई साहब खाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। बिल्कुल, तरबूज को देख रहे हो कैसे एकदम से निचोड़ दिया भाई पूरा। ये देखो राजेश जी का स्टाइल देखो भाई साहब, बहुत सही, चाकू लेके खा रहे हैं भाई। चाकू थोड़ा ध्यान से राजेश जी। हाँ बिल्कुल, चाकू का इस्तेमाल थोड़ा। ये देखो भाई, सुमन जी भी टेक्निक लगा चुकी है वही वाला। और राजेश जी जैसे कि बेचते हैं लोग, तो उसी की तरह काट काट के खा रहे हैं। बहुत सही, बिल्कुल भाई। ये देखो इनाम को, इनाम बड़ा होगा तो चैलेंज अपने आप बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल भाई, 700 रुपए इनाम कम नहीं होता। बिल्कुल, और ये तो गिफ्ट देख सकते हो, इतना बड़ा गिफ्ट, ये भी कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, राजेश जी जो है भाई साहब काट काट के निकाल रहे हैं। बिल्कुल, और सुमन जी की बात की जाए तो भाई साहब, सुमन जी जो है नॉन स्टॉप खाए पे खा जा रही है। ये देखो पूरा ही एकदम बकला छुड़ा दिए भाई। बहुत सही, बकल उधेड़ दिया भाई पूरे तरबूज का। ये देखो राजेश जी का स्टाइल, राकेश जी सिर्फ आराम से खाइए, अभी सिर्फ 2 ही मिनट हो रहा है और 2 मिनट में इतना बड़ा तरबूज को फिनिश करना नामुमकिन था भाई एक तरह से। ये देखो लग रहा है सुमन जी हिल जाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। तो ऑडियंस कमेंट करके बताओ दोनों चैलेंजर में से कौन जीत के ले आएगा ये भारी भरकम इनाम। लाली जो है सबका समाप्त करिए लाल लाल पीस। बिल्कुल, ऐसा है कि हमारी ऑडियंस भी देख रही है, तो ऑडियंस कहेगी ये लाल पीस जो बचा हुआ है इसको थोड़ा सा फिनिश करिए, इसको एकदम व्हाइट कर दो उसको। सुमन जी पूरा व्हाइट नहीं, मतलब लाल ज्यादा नहीं दिखना। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। और बाकी ये भी है सफाई से खाए हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, और राजेश जी जो है भाई साहब चाकू से निकाले जा रहे हैं लाल लाल वाले को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सही, आज जो है भाई महा टक्कर हो चुका है एकदम तरबूज के साथ। बिल्कुल, और राजेश जी में भी ये थोड़ा थोड़ा लाल बचा हुआ है, तो देखते हैं फिर भी कौन जीतता है। और पूरा जो है ये छिलका जो एक तरफ रख के और पूरा थाली में देखा जाएगा कि पूरा फिनिश है नहीं है। इधर देखिए इन सब में देखिए, बहुत बहुत सही भाई। राकेश जी का जो ध्यान है भाई साहब तरबूज पे है, क्योंकि ऑडियंस ये ना कहे कि सुमन जी का रह चुका है या राजेश जी का। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सफाई से खाना है राजेश जी और सुमन जी। और देखिए, क्योंकि राजेश जी का अभी भी बचा हुआ है लाल वाला पीस। तो ऑडियंस आप लोग बताना, ये लोग हम ये सब हम सही करवा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लाल रह गया तो ऐसा लगेगा कि रह ही गया तरबूज। बिल्कुल, बहुत बहुत रह रहा है भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छा, क्योंकि भाई साहब में ऐसा ना हो कि आधा खा के रख दिया हो। ये लो भाई साहब, लाल लाल बचा हुआ है। जल्दी करो राजेश जी, फिनिश करिए, क्योंकि सुमन जी का भी फिनिश करवा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही भाई, लाल बहुत चमक रहा है। राजेश जी जो पूरा बकल मुंह में ही लगा चुके हैं। बिल्कुल, लाल नहीं फिनिश होना चाहिए लाल। और बहुत बढ़िया, 3 मिनट हो चुका है, अब ओपन होइए। बिल्कुल बिल्कुल, राकेश जी क्या लगता है कौन जीता है दोनों में से? टाइम को स्टॉप कर दिया जा रहा है और दोनों का मुंह जो है खाली हो चुका है और दोनों का अब देखा जाएगा। दोनों हाथ धो के आइए एक बार। बिल्कुल, एक बार हाथ धो के आइए। चलो हाथ धो के आइए।
राकेश जी आज तो भाई साहब तबाही मचा दिया तरबूज के साथ पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, इनका जो है पूरे छिलके का ब्यूरो ले जाएगा, छिलके को देखा जाएगा। और सो ऑडियंस, आप बताइए हमारा डिसीजन सही निकलता है या गलत निकलता है, क्योंकि हम सबका छिलका देख के, अपना अपना छिलका थाली में रखिए एक बार उधर पलटा के। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि किसी का भी ज्यादा रह ना जाए। और बात की जाए राकेश जी, सुमन जी का तो पूरा एकदम फिनिश हो चुका है, और इधर राजेश जी का भी लाके जी दोनों फिनिश हो चुका है। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा रह चुका है बस तो उसमें। और मैं एक बात बता दूं, मेरा डिसीजन जो लेने वाला हूं मैं, कि सुमन जी के फेवर में लेने वाला हूं, क्योंकि सुमन जी का जो है पूरा लाल जो है ना के बराबर है, उतना तो रहता ही है। बिल्कुल राकेश जी रह रहा है, तो राजेश जी आपको हार दे रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत? चलिए, जैसा कि हमने डिसीजन लिया, और आपको यह डिसीजन कैसा लगा कमेंट में बॉक्स में जरूर बताना। और हमने जो है सुमन जी को जीत दिया है इनके खाने की वजह से। बिल्कुल, आपने कितनी तगड़ी तरह खाया। तो ये लो सुमन जी भाई साहब, एकदम तरबूज को उधेड़ के रख दिया। बिल्कुल, तो ये लीजिए आपका इनाम, और इतना बड़ा इनाम और 700 का कैश। तो कैसा लग रहा है सुमन जी, आज तबाही मचा दिया तरबूज में? बिल्कुल, तरबूज मीठा था, एकदम मीठा था। चलो, चलो तो राकेश जी गिफ्ट को जो अनबॉक्स किया जाए। बिल्कुल अनबॉक्स किया जाएगा, उससे पहले इनको साइड करिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, साइड कर दो एक बार। चलो, और जैसा कि यह गिफ्ट जो है इनको जो है नीचे नहीं रखा जाएगा, और नीचे क्यों नहीं रखा जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, यहाँ जो है थोड़ा सा जो है गंदा है, इसीलिए हम यहाँ भी नहीं रखना चाहेंगे। और यह जो है पूरा हथेली के ऊपर ही अनबॉक्स होगा, क्योंकि इसके ऑडियंस कमेंट करके बताओ इसमें क्या चीज है। और इसके अंदर जो इनाम है इनके, इसके अंदर वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल इनाम है, वो हमें पता है। और आप बताना यह इनाम कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा, थोड़ा सा जो है अच्छे से खोलना पड़ेगा। सुमन जी भाई साहब तबाही मचा दिया तरबूज के चलन में राकेश जी, बहुत सही। रुकिए राजेश जी, छोड़िए एक बार। ये लो भाई साहब, क्या चीज है राकेश जी इसमें, देखते हैं कुछ ही सेकंडों बाद जो है ये अनबॉक्स होने वाला है। बिल्कुल, तो ये एक दो, और ये आ चुके हैं हमारे गणेश भगवान। तो राखी थोड़ी मूर्ति उल्टी, थोड़ा सीधे करिए उसको। बहुत सही, ये सुमन जी ये लीजिए, हाथ धुला हुआ है। हाँ। बिल्कुल, बताइए आपको गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। चलो, तो आपको यह गिफ्ट कैसा लगा आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इधर जो है राजेश जी थोड़ा सा हार चुके हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्योंकि जो है हम इनसे इनाम लेके इनको देते हैं, तो हमारी ऑडियंस भी कहती है आप अपने में से क्यों नहीं देते। तो ऑडियंस हमारा जो है खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से हम नहीं देने की सोचते, उनमें से थोड़ा सा इनाम प्रोत्साहन के तौर में दे देते हैं, तो हम भी ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है, ताकि उधर भी खुश रहे इधर भी खुश रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा जो है खर्चा सिर्फ एक को ही पड़ता है राकेश जी। बिल्कुल, अगर दोनों को पड़ेगा तो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा हमारा चैलेंज। बिल्कुल, ज्यादा ही महंगा पड़ जाएगा। सो ऑडियंस चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो अपनी तरफ से जो है हम ना ज्यादा देते हुए 100 का इनाम जो है इनको देना चाहेंगे। ये लीजिए, तो ये लीजिए राजेश जी, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आया तरबूज खा के। बिल्कुल, बहुत अच्छा। So, आप बताइए आपको यह चैलेंज कैसा लगा, और दोनों चैलेंजर में से कौन से चैलेंजर आपको अच्छे लगे, उनके फेवर में जो है थोड़ा सा कमेंट, थोड़ा सा तारीफ जरूर लिखना। तो उसी के साथ अपना यह चैलेंज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैलेंज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय।